हमारे देश में कई ऐसी उपचार पद्धतियां मौजूद है जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं और जो बीमारी को अंदर से ठीक करती हैं बिना कोई साइड इफेक्ट दिखाए। आज ऐसे ही एक ट्रीटमेंट मेथड पर बात करेंगे जो डायबिटीज की जड़ पर काम करता है। हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सोलॉजी की। अब ये रिफ्लेक्सोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है, इस पर पूरी जानकारी लेने के लिए हमने बात की प्रोफेसर उमेश आर्य जी से, जो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर होने के साथ ही सर्टिफाइड रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट एंड मेरिडियन साइंस थेरेपिस्ट हैं और इस फील्ड में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। प्रोफेसर आर्य एक सर्टिफाइड योगा और मेडिटेशन टीचर और थेरेपिस्ट भी हैं, जो लोगों को अलग अलग साइकोलॉजिकल समस्याओं जैसे फोबिया, एंग्जाइटी, ओसीडी को ठीक करने में मदद कर रहे हैं। प्रोफेसर उमेश आर्य जी सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं। तो सर, ये तो बात हुई कि अपना लाइफस्टाइल आप कैसे मैनेज करें डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जैसे आपने बताया कि एलोपैथी की तरफ लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक इमीडिएट इफेक्ट तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, तो लोग अलग अलग ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। तो जैसे कि आप एक सर्टिफाइड रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हैं और आपने बताया कि ये डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली रिफ्लेक्सोलॉजी होती क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं डायबिटीज से पहले। रिफ्लेक्सोलॉजी एक थोड़ा टेक्निकल नेम है जिसको हम ट्रेडिशनल फॉर्म में एक्यूप्रेशर के तौर पे जानते हैं, राइट? तो एक्यूप्रेशर में बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स भी आते हैं, जैसे मेरिडियन साइंस है जिसमें मर्मा पॉइंट्स होते हैं बॉडी में 104 जगह पे, वो दबाने होते हैं, राइट? तो एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है रिफ्लेक्सोलॉजी, राइट? इसमें क्या करने होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कहीं भी मिल जाता है आजकल, और अगर नहीं है तो घर में एक कोई भी आपका जो पेन है, राइट, पेन की टिप है, जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये जो पॉइंटेड ना हो, बस थोड़ी सी आगे से क्या हो, राउंड हो, थोड़ी राउंडेड फॉर्म में हो, राइट? ये वाली, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास अभी 40 के आसपास पॉइंट्स होते हैं इसमें, पूरी हाथ में। रिफ्लेक्सोलॉजी केवल हाथों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और कलाई से बस 3 उंगली 4 उंगली नीचे ऑपरेट करती है, राइट? रिफ्लेक्सोलॉजी का मीनिंग सिर्फ इतना है, ठीक है? हाँ, मतलब सिर्फ हाथों में होती है, सिर्फ हाथों में, दोनों पैरों में नीचे, और ये हाथ जो है इसमें, इसके 3 उंगली नीचे, बस ये इतना एरिया है इसका, राइट? ठीक, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें जो डायबिटीज से रिलेटेड पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला, यहाँ जो दोनों उंगलियां है ना, जो इसके बीच में आप नीचे आ जाइए, और सब कई लोगों के ये लाइन होती है, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे, राइट? इसको आप अगर दबाएंगे ऐसे, और दबाने का तरीका क्या है, बार बार ऐसे दबाना नहीं है इसको, एक बार दबा के छोड़ दें और 15 सेकेंड्स के बाद उसको हटा लें, 15 सेकेंड्स मन से काउंट कर लें और उसके बाद हटा लें। दबाना इतना है जितना आप सहन कर सकें, क्योंकि अक्सर जिस पॉइंट पे आप दबाते हैं तो वो पॉइंट, ये डायबिटीज का है, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पे दर्द होगा, राइट? ओके, ठीक है, दर्द होने से डरना नहीं है, इसका मतलब आपने सही पॉइंट पे दबाया है। बस थोड़ा सा उसको हल्के से दबा लें जितना सहन कर सके, और दबा के 15 सेकंड के बाद उसको रिलीज कर लें, या आप किसी भी समय कर सकते हैं, दिन में, खाने के बाद, खाने से पहले, कभी भी, राइट? और एक बार तो करना ही करना है दिन में, एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं, ठीक है? एक तो ये पॉइंट हो गया, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायबिटीज का है, अगर आप इस मुट्ठी को ऐसे करके ऐसे बंद कर लेते हैं ना, तो ये जो ये सेकंड फिंगर है, राइट, आपकी बड़े वाली फिंगर, ये जहां पे अगर लगी हुई है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इसको दबाएंगे आप ऐसे, या इसको आप इससे भी दबा सकते हैं, राइट, ऐसे, सबसे इजी है। कौन सी वाली फिंगर? ये वाली फिंगर, सबसे बड़े बीच वाली फिंगर, जो ये सबसे बड़े वाली फिंगर है, राइट? इस पूरी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लीजिए आप आराम से, राइट? बाकी उंगली को ऊपर उठा दीजिए, और ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपके ये जो माउंट है, ये थंब का माउंट जो बोलते हैं जिसको, ये जस्ट इसके इनर साइड पे टच करेगी, जस्ट इनर साइड पे, ओके, ठीक है? हाँ, इनर साइड, इसको आप, हाँ, जस्ट इनर साइड आप देख सकते, फिंगर, फिंगर से भी प्रेस कर सकते हैं? हाँ, फिंगर से प्रेस नहीं करते हैं, अंगूठे के फ्रंट एंड से प्रेस करते हैं, ओके, अंगूठे का
फ्रंट एंड, यस, ऐसे ओके, खड़ा करके हम उठा, राइट, टिप से राइट, अंगूठे के टिप से, हाँ, तो ओके, या ऐसे फिर ऐसे करके, हाँ ऐसे कर सकते, ठीक है। ठीक फिर इसी के साथ जैसे मान लीजिए, अच्छा ये दोनों में करना है, इसमें ये बाइलेटरल पॉइंट्स हैं जैसे मैंने ये बताया ओके, इसमें, तो फिर इसमें भी करना है, राइट, और फिर ये दोनों पैरों में भी करना है, सेम चीज ठीक है, है। अब पैरों में कैसे होगा, तो आप देखें पैर की जो ये उंगली, ये तो सेम स्ट्रक्चर तो पैरों में भी है, उसमें नीचे पैर के बीच में आ जाए, आपको दिख जाएगा इतना ही डिस्टेंस रहता है, और उसको आप ओके, दबाएं, वो बड़ा इफेक्टिव पॉइंट है, ठीक है। हाँ, और फिर आप जैसे कलाई से तीन उंगलियां नीचे ले लें अपनी, जैसे मैंने बताया था इस कलाई से अगर तीन उंगली ऐसे नीचे, और ये थर्ड उंगली के नीचे ये बीच में पॉइंट है यहाँ पे, इसको दबाएं ऐसे, राइट, ओके, और 15 सेकंड तक दबा के इसको छोड़ दें, और फिर दूसरे वाले को दबाएं बाइलेटरल, ऐसे हाँ ऐसे, राइट, इसमें भी थंब की टिप यूज करेंगे, हाँ थम के टेस। और एक पॉइंट है जो सिर्फ लेफ्ट हैंड में ही है आपकी, राइट, ओके, राइट राइट में नहीं है वो, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट में, इसमें है हाथ में और लेफ्ट पैर में है, कहाँ पे है ये आप देखिए, ये जो लास्ट हमारी जो उंगली है इसको नीचे ले आओ यहाँ तक, राइट, और ये वाली जो लाइन ऐसे आके यहाँ से मिल रही है ना, तो ये पॉइंट है यहाँ, यहां से और ये वाला यहां पे, ओके, हाँ उसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा नीचे करिए, लाइन से हाँ नीचे, ये वाला, हाँ यस ये वाला ओके, पॉइंट थैंक है, ठीक यू, है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये। और एक पॉइंट और है फिर, आप देखिएगा, आप ये मान लीजिए ये हाथ अगर इतना माने इसको, हाँ कईयों की लाइन होती है कईयों की नहीं होती, ऊपर नीचे होती है सब है, तो इसके एक पॉइंट जस्ट बीच में मान लीजिए आप कहीं भी, ओके, पूरे पाम के हाँ पूरे बीच में, पाम के ये उंगली की सीध में बीच में यहाँ पे ये वाला पॉइंट, जी ओके, ये सिर्फ यहाँ लेफ्ट पे में ही थे, है, राइट राइट में नहीं है, आप ध्यान रखिएगा राइट में ओके नहीं है। ओके, और फिर एक पॉइंट ऐसा है जो केवल राइट में ही है, वो लेफ्ट में नहीं है, वो कहाँ है, बहुत इजी, ये देखिए ये लाइन सबको मिली हुई है, राइट, सबके पास है ये लास्ट उंगली के नीचे, इस लाइन के जस्ट नीचे, ठीक ये वाला ये सिर्फ राइट में है, जी, ये लिवर का पॉइंट है, लिवर चूंकि ओ ब्लड बनता है लिवर में काफी, तो उसका रोल रहता है, और रिफ्लेक्सोलॉजी में खास बात ये है कि जैसे हम पॉइंट्स दबा रहे हैं अभी, ये केवल केवल डायबिटीज के पॉइंट्स नहीं है, राइट, मैं लिवर का पॉइंट दबा रहा हूँ, लिवर से तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलती हैं, वही मैं तो जानना चाह रही थी कि रिफ्लेक्सोलॉजी से डायबिटीज के अलावा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि लिवर का पॉइंट अगर दबाया ना, तो लिवर में जो जो भी दिक्कत है, चाहे वो डाइजेस्टिव फैटी लिवर भी ठीक हो सकता है फैटी इससे, वाला भी, हाँ मतलब लिवर से रिलेटेड जो भी चीजें गड़बड़ाई हुई है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो फैटी लिवर है, चाहे वो बाइल जूस वगैरह का गड़बड़ है कुछ, या लिवर मान लीजिए एनलार्ज हुआ है, या कोई भी दिक्कत है, तो वो उसके लिए सिर्फ इसको दबाने से इतनी सारी चीजें ठीक होती हैं, तो बेसिकली जो ये भी पॉइंट्स आपने बताए हैं, तो ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से शायद कनेक्टेड है, तो वहां पर प्रेशर जी इसका जी पड़ता जी है, जी तो उसका जी फंक्शन यस जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक होता है, तो हाँ यस ओके, सो इस ट्रीटमेंट के थ्रू फिर मेडिकेशन भी हमारी बंद हो सकती है आगे से, अगर कोई प्रॉब्लम की हाँ, हम मेडिकेशन ले देखिए रहे हैं क्या तो। होता है कि मेडिकेशंस जो हैं डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वैसे हम किसी को एडवाइज नहीं करते कि आप अगर ये दबाने लग गए पॉइंट्स तो मेडिसिन बंद कर दीजिए, नहीं हम लोग वो नहीं करते, हाँ हम ऐसा बोलते हैं कि आप ये पॉइंट्स भी दबाइए, आप दवाइयां भी लेते रहे, लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखें, डॉक्टर को लगेगा तो वो डेफिनेटली आपकी मेडिसिन अपने आप कम कर देगा, ओके, सो ठीक उसका है, इफेक्ट अगर हाँ टेस्ट में दिखता है तो वो उस चीज को बंद बंद कर सकते हैं। यस यस सो सर, इसमें आपने जैसे बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए कि मिडल में जाकर और मेजरमेंट वाली चीजें हैं, अब जैसे जो कॉमन लोग होते हैं अगर वो गलत पॉइंट अगर अपना प्रेस कर दे तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मान लो थोड़ी सी फिंगर मेरी इधर से इधर चली गई या ऊपर चली गई जी तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? हाँ देखिए इसमें
हमारी जो एंशियंट नॉलेज है ना, और उसमें एलोपैथी और ये मॉडर्न नॉलेज में यही थोड़ा सा बस फर्क है कि एलोपैथी में अगर आपने गलत दवाई ले ली, राइट, तो आपको डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे। उसका साइड इफेक्ट्स आएंगे। इवन जो आप जिस चीज के लिए दवाई खा रहे हो उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, और गलत दवाई खाई उसके तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, राइट। लेकिन जो हम इस टाइप की ये अपनी एक्यूप्रेशर वो करते हैं, इसमें अगर आपने गलत पॉइंट दबाया तो इट्स ओके, आपको बस फायदा थोड़ा कम होगा, फायदा शायद ना हो लेकिन नुकसान नहीं होगा आपको, राइट। नुकसान कोई नहीं होगा अगर हम गलत नुकसान नहीं होगा, पॉइंट लेंगे। बल्कि बल्कि चूंकि आपको बताया था मैंने 40 पॉइंट्स है, तो कहीं कहीं बिखरे हुए हैं, क्या पता आपने गलती से कोई दूसरा पॉइंट दबा दिया तो वो तो ऑर्गन आपकी हेल्दी हो जाएगा, प्रॉब्लम ठीक ठीक ही होएगी। है। हाँ, उसमें उसमें ज्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए, राइट। और मतलब वो सबसे बड़ी बात ये, घबराने की मैं बात नहीं है। घबराने की बात नहीं, डायबिटीज से अलग बता देता हूँ, राइट, क्योंकि डायबिटीज आपकी नजर को भी इफेक्ट करती है, राइट, आई साइट भी उससे गड़बड़ होती है। तो आई साइट के तो दुश्मन कई हैं आजकल, आपका स्क्रीन टाइम है ना, और लाइट हमारी इतनी ज्यादा हो गई है शहरों में, रात को भी मॉल्स में भी आप जाते हो तो हर तरफ लाइट आपकी आंखों में पड़ती रहती है, राइट। तो इससे भी आई साइट वीक होती है हमारी। तो आई साइट के लिए ये पॉइंट है इसके बीच में, ये यहाँ पे ये रहा, बस 2 फिंगर्स के बीच में, राइट। डायबिटीज का भी है ये, क्योंकि डायबिटीज से आपकी आई साइट पे फर्क पड़ता है, राइट। इसको आप दबा के रखें और अंदर की तरफ रखें, ऐसे देखिए फिसल रहा है थोड़ा सा, ऐसे करके, हाँ, अगर आपकी आई ऑलरेडी साइट आई एकदम साइट बेटर। वीक है सर तो वो भी उस पे भी असर पड़ता है इससे, अगर हाँ, ऑलरेडी देखिए वीक हो उसमें गई क्या है है, मेरी अगर। ऑलरेडी वीक है तो एटलीस्ट स्टेबल रहेगी आपकी आगे, राइट, और डिटेरियोरेट नहीं होगी, और कई केसेस में थोड़ा सा आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर हीलिंग पावर, कंडीशन या बॉडी की कंडीशन, किस एज में है आप, बॉडी कितना, इम्यूनिटी कितनी है, वो सारे फैक्टर्स है, बट डेफिनेटली इससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरा स्क्रीन टाइम शायद पूरे दिन में कितना होगा, मोर देन 10 आवर्स, राइट, बट मेरा नंबर काफी टाइम से स्टेबल है बिकॉज इसको मैं दबाता हूँ। तो एक वो तो वहीं टॉपिक मैंने चेंज कर पर दिया है, स्टेबल हो जाता है। हम आई साइट पे आ गए हैं भाई डायबिटीज का, लेकिन आई साइट पे बहुत बुरा असर पड़ता है, राइट। हाँ आई थिंक ओके, आई साइट किडनी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जी। और आईस आई इसलिए मेन है बिकॉज आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन अगर मान लीजिए आंखें नहीं है तो फिर क्या करेंगे। आंखों से जैसे ब्लीडिंग आपकी हो गई, हैमरेज हो गया आईज में, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है पूरी बॉडी को ठीक रखने का, तो बड़े सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं ये। ओके सो सर इसमें कुछ एज लिमिट भी होती है कि मतलब इस एज से कम लोग नहीं कर सकते या इस एज से ज्यादा लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा सिक्स कुछ, मंथ्स के बाद आप कभी भी कर सकते हो उसको, कितनी भी एज हो आपकी, मतलब छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं 6 मंथ्स सिक्स के मंथ ऊपर का कोई बेबी के ऊपर कोई भी कर सकता है, बच्चों भी कर को भी सकता कर सकते हैं तो है, जी यानी कि जो कई जेनेट मतलब आप 6 मंथ से ऊपर अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो ऑब्वियसली वो जेनेटिक उसमें चली जाती है, तो उसमें भी हेल्पफुल हाँ, होती है ये हेल्पफुल जेनेटिक है। प्रॉब्लम। और ये जो प्रिवेंशन साइड पे मैं बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन, मान लीजिए किसी को जैसे डायबिटीज अब नहीं है या प्री डायबिटिक है, या आगे उनको चाहते हैं कि डायबिटिक ना हो, जैसे ना मेरा हो 90 शुगर रहता है, तो मुझे मतलब मैं नहीं चाहूंगा मेरे को कभी हो, तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मैं कुछ ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स लूंगा, जैसे ये टिप्स है ना, जो ये टिप्स अंगूठे के नीचे जो ये जैसे मैंने दबा लिया है, राइट, इसको ये एक टिप, ये दो टिप, पूरे सारी फिंगर्स के, हाथों के और पैरों के, आप दिन में कम से कम एक बार तो जरूर दबाएं 15 सेकंड के लिए, ये प्रिवेंशन सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। इसमें फॉर डायबिटीज में, सिर्फ डायबिटीज या और भी प्रॉब्लम्स के लिए। डायबिटीज के लिए भी है, ये न्यूरल प्रॉब्लम्स के लिए भी है, राइट, न्यूरॉन्स की कोई दिक्कत है, सिर दर्द रहता है, पार्किंसन है, और हेमरेज से रिलेटेड भी है, पैरालिसिस से रिलेटेड भी है, मल्टीपल चीजों के ओवरऑल लिए है। ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए आप ये कर जी जी सकते। जी हाँ, राइट। तो ये आप सब पूरा इसके दबाएं, पूरा अच्छे से 15 15 सेकंड दबा के छोड़ दें, फिर इस पे आ जाएं, और दोनों पैरों के टिप्स के, राइट। सो इसमें भी सर एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमें एक्सपर्ट की गाइडेंस की जरूरत होगी या अपने आप भी हम कर इसमें सकते हैं। नहीं, इसमें अब मैंने आपको बताया बस एक्सपर्ट ट्रीटमेंट इसमें यही है कि आप इसको दबाएं, 15 सेकंड्स से ज्यादा ना दबाएं, उतना दबाएं जितना आप दबा सकते हैं बिना दर्द के, बस इतना ही है इसमें। ये बहुत एंशियंट हमारी जो नॉलेज है ना, उसमें देखो प्रिवेंशन इस पे, मतलब इसमें कोई नुकसान वाला या ट्रेनिंग वाला कोई ज्यादा फैक्टर उसमें नहीं है, राइट। इसके अलावा और कोई डूज एंड डोंट्स जो अगर कोई
रिफ्लेक्सोलॉजी की तरफ जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको फॉलो करने की जरूरत है। हाँ, डूज एंड डोंट्स में मतलब कई पॉइंट, दोनों पॉइंट्स इकट्ठे नहीं दबाने। कई बार लोग सोचते हैं कि एक हाथ से ये दबा लें और किसी दूसरे को बोल दें हाँ भी तू मेरा ये करते, नो वन बाय वन, राइट? ओके, ठीक पेशेंस है, ऐसे। हाँ, और बल्कि ऐसा कर जरूरी है। सकते हैं जैसे, हाँ, ये आपने एक उसके दबाए, फिर दूसरे के दबाए, फिर इसी लेफ्ट साइड के पैर से शुरू करें, क्योंकि आपने सबसे पहले लेफ्ट वाले हाथ से शुरू किया था, राइट? लेफ्ट हाथ, राइट हाथ, लेफ्ट पैर, राइट पैर, और अगर हम बस राइट इतना, से शुरू कर रहे हैं तो राइट पैर तो पहले। वैसे उल्टा। हाँ, लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा, कोई ऐसी ध्यान रखने की बात नहीं, आप केवल दबाने पे ध्यान रखें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, और मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसके अंदर, ये नहीं कि हाँ, एक दिन दबाया डेली एक फिर। बार आप जरूर दबाएं, एक बार, प्रेफरेबली सोने से पहले। नींद भी अच्छी आएगी आपको, बॉडी की भी सर्विसिंग हो जाएगी, विदाउट इवन केयरिंग कि इससे क्या बेनिफिट हुआ है मुझे। बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में होता है, राइट? 1-2 महीने, 2-3 महीने में आपको पता चलेगा हाँ दैट कुछ अलग है मामला, राइट? स्लो एंड स्टडी। स्लो लेकिन अच्छा है, मतलब बिना किसी खर्च के, बिना किसी उसके, एंशियंट नॉलेज हमें मिल रही है। और अगर सर इसमें मान लो मैंने एक दो दिन किया और उसके बाद मैंने 3-4 दिन नहीं किया या एक हफ्ता नहीं किया, फिर मैंने उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया, तो इससे ऐसा होगा कि ऐसा कुछ होता है कि जितना मेरा फायदा हुआ होगा वो वापस चला जाता है, समथिंग लाइक दिस, या फिर वो डिले ही ऐसा तो होगा नहीं जैसे है, फिर। नहीं ऐसा नहीं है, बट डिले हो जाएगा। कंसिस्टेंसी तो हर चीज में जरूरी है, इवन दवाई लेने का भी फायदा तभी है जब आप उसको रेगुलर टाइम पे लें, है ना? ठीक है ना? तो कंसिस्टेंसी, वो महर्षि पतंजलि बोलते हैं, सत दीर्घ काले नैरंतरे सत्कार सेवित है दृढ़ भूमि, यानी सत दीर्घ काले, लंबे समय तक, राइट? सत्कार सेवित है यानी इसको रिस्पेक्ट से करें इसको, ऐसा नहीं कि भाई चलो रिलीजियसली ठीक है, करें। हाँ बिल्कुल सीरियसली, राइट? सब तो दीर्घ काल है निरंतर है, निरंतर मीन्स लगातार, राइट? लंबे समय तक सत्कार के साथ दृढ़ भूमि, उससे ही दृढ़ भूमि यानी एकदम बिल्कुल सॉलिड, इसमें प्रैक्टिस बनती है। फिर तो इसका कुछ ऐसा भी नहीं है सर कि खाली वेट करनी है या कभी सुबह भी ही किसी भी करनी टाइम है करो शाम जब भी आपका मन करनी करे, कभी भी है। करो, रात को नींद ना आए, कई लोग इंसोमनिया की दिक्कत होती है, खाली बैठे टाइम पास नहीं होता, तब कर सकते हो आप। मोस्टली कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी मेडिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले वो जो है प्रेगनेंसी पे जाते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो क्या कई लोगों को, कई लेडीज को जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज हो जाती है, वो लोग भी कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी कर सकते हैं इसको। कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसा उठापटक वाली चीज नहीं कर रहे हैं, है ना? ठीक है, और ये चीजें तो बल्कि हेल्प करेंगी। जैसे मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना अभी, हर टिप्स को दबाना है, ये कम से कम आपके 10 डिजीज में हम लोग रिकमेंड करते हैं, 10 डिजीज में। ओके, तो अगर मुझे तो डायबिटीज है नुकसान और कुछ मैं नहीं, ये चीजें कर रही हूँ तो हो सकता है कि मेरी कोई और प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए। नेचुरली अगर किसी को नींद ना आए तो सबसे बेस्ट इलाज ये दबाना शुरू कर दो, देखना इमीडिएटली आ जाएगा ये बात। ओके सर, सो सर जैसे मेरी आपसे पहले बात हुई थी, आप ऑनलाइन सेशंस इसके लेते हैं, तो कोई ऐसी केस स्टडी ऑनलाइन, हाँ आपके आपके सामने आई हो सर जो एकदम ऐसा क्रिटिकल सा केस हुआ हो या डिफरेंट सा केस हुआ और वो इसके थ्रू जो है चेंज हो गया, जो मतलब कई बार होता है पेशेंट को खुद भी उम्मीद नहीं होती है कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। डायबिटीज से रिलेटेड, हाँ मेरे पास कई कई लोग आते हैं, तो वो जब से ये दबाने लगे तो उनको पहले जैसे दवाइयाँ वो लेते थे ठीक ठाक चलता था, लेकिन उनको ना एग्जॉशन एक रहता था, शरीर में थकान और चिड़चिड़ापन और इस तरह से, और डायबिटीज की जो मेडिसिंस रहती हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि लो मूड रहे आपकी, लो एनर्जी रहे तो काफी टाइम तक रहेगा, तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ भी आप जा सकते हो, राइट? तो पॉइंट्स दबाने लगे, कम से कम आपका वो एनर्जी लेवल जो है वो अब थोड़ा सा शूट अप रहने लगा, राइट? एनर्जी अब लो नहीं रहने लगी। तो काफी लोग आए मेरे पास जिन्होंने एटलीस्ट अपना, ये जैसे पहले थोड़ा उनको चक्कर आता था, थोड़ा उनको जैसे गला ज्यादा सूखा रहता था, और ऐसे हारने वाला एटीट्यूड, बैठे रहने की नहीं, थकान हो रही है महसूस, जबकि कोई काम नहीं किया पूरे दिन में, राइट? तो अगर जब से वो ये पॉइंट्स दबाने लगे तो उनके ये सिम्टम्स क्या है, खत्म हो गए, वो एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, डायबिटिक अभी भी हैं, वो दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन उनके 3-4-5 सिम्टम्स जो वो थे वो खत्म हो गए। उससे बेनिफिट ये हुआ कि
अगर वो सिम्टम बने रहते मान लीजिए 6 महीने 1 साल 2 साल करके, तो फिर उनको फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता, फिर वो डिप्रेशन उसको डायग्नोज करता कि लो मूड लो एनर्जी वाले लोगों को डिप्रेशन में डालते हैं वो लोग, जिसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए लाइफ में, होपलेसनेस आ जाए, तो वो उस तरीके से उसको फिर ट्रीट करते हैं। तो आप देखिए वो रास्ता आपका अब बंद हो गया, राइट। मतलब एक फिजिकल प्रॉब्लम ठीक होने के साथ साथ एक जो मेंटल प्रॉब्लम थी वो भी इससे ट्रीट हो सकती है यस, ऐसे कई कई जो। केसेस हो जाते हैं, क्योंकि फैक्टर्स मैंने बताया ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो गए कि अब आज के दिन आपके आपके डेस्टिनेशंस दूर दूर तक हैं, स्कूल्स हैं दूर दूर तक हैं, आपको काम करने जाना पड़ता है तो बहुत दूर है, राइट। पहले इतना नहीं था, 30 साल पहले ऐसा ऐसा कुछ नहीं था कि एक दिन में आपको 3 घंटे ट्रेवल करना पड़ रहा है, नहीं। अब तो इट इज वेरी कॉमन नाउ, राइट। लेकिन बॉडी पे टोल तो आता है ना उस चीज का, तो वो थकान तो होती है ना, राइट। तो वो थकान अगर इन चीजों से थोड़ा सा मान लीजिए आपका मूड एनर्जी स्टेबल रह सके, तो रिफ्लेक्सोलॉजी से वो बेनिफिट मिलता है आपको। और इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर कि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो ये मुझे हेल्प करेगी। अगर मैं हेल्दी हूँ, मुझे ऐसे कोई कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी मैं ये रिफ्लेक्सोलॉजी की तरफ जाती हूँ, तो आगे प्रॉब्लम आए मुझे उसके चांसेस कम हो जाते हैं? मुझे आज के दिन कोई भी दिक्कत नहीं है, 51 ईयर्स की एज में इतना सा भी दिक्कत नहीं है मैं, लेकिन रोज अब से पॉइंट्स दबा के सोता हूँ, राइट। ताकि कौन से आगे पॉइंट्स? कोई ये वाले, ताकि आगे दिक्कत ना आए, और मेरी डे टू डे लाइफ मुझे मतलब एकदम मैं हेल्दी रहूं और एनर्जी मेरी बनी रहे। रेगुलर रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या सुबह उठ के वॉक करते हैं, हेल्दी खाना खा रहे जी हैं, एक हम जी इसको जी भी ऐड करें अपने लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्सोलॉजी को, हाँ, तो ऐड करें। आगे कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं कर नहीं सकते, होगी। ज्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये पॉइंट्स तो आप ये वाला हर फिंगर टिप पे इस हाथ में दोनों पैरों में, तो ये तो दबाएं, दिस इज मिनिमम इजिली कर सकते हैं, 15 सेकेंड तो कोई बड़ा टाइम नहीं है। जी। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे सर कि इस पर रिफ्लेक्सोलॉजी पर और नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर कोई अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? हाँ, तो मेरा फोन नंबर है 9416346589, इस स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट जैसे हो रहा है, और मेरी वेबसाइट भी है umeshaarya.in, तो वहां पे जाके आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, वहाँ मेरी और भी डिटेल्स हैं, लाइक घर का एड्रेस है मेरा हिसार में, और ईमेल भी है, और व्हाट्सएप से भी आप टच में रह सकते हो, यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है जो मैंने आपको बताया अभी, तो देयर मल्टीपल वेज आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हो। सर थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल है तो आप प्रोफेसर उमेश आर्य जी से दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने जीवन कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, तभी तो आपको आपके काम के वीडियोस की नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिल पाएगा।